गलत कदम उठाएंगे वो तो इस बात का भरोसा रखना कि उनको छोड़ेंगे, उनके खिलाफ पर समझना आपको ये पड़ेगा कि कानून की प्रक्रिया हमारी एएलसी कोर्ट से डीएलसी से रिकमेंडेशन लेबर कोर्ट लेबर कमिश्नर तक जाएगी, अल्टीमेटली फैसला लेबर कमिश्नर का होगा। कंपनी वाले लोग हैं कानून आपसे ज्यादा वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़े ना पढ़े वो बात की बात है, हम भी कानून को सिखा सकते हैं तो लागू कर सकते हैं। तो अपने को ये देखना है कि अपन शांतिपूर्ण तरीके से आपके हितों का भी नुकसान ना हो, आपके हितों की सुरक्षा हो जाए और उनका भी भाईचारे से हो जाए। अल्टीमेटली आपके और उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता एग्जिस्ट करता है, वो दुश्मन नहीं है आपका, ये ध्यान रखना है। ना फैक्ट्री वाला आपका दुश्मन है ना आप उसको दुश्मन है, ये बात उसको भी समझनी पड़ेगी। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो और वो अपना व्यापार कर रहा है, व्यापार कर रहा है कोई प्रोडक्शन कोई फैक्ट्री कोई चीज बना रही है तो आपके सहयोग से बना रही है, तो आपकी भी मेहनत उसमें शामिल है। तो इस बात को इज्जत आपकी भी उतनी उसके लिए और आपके लिए भी उसकी उतनी इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। मतभेद हो सकता है हम उसको सुलझा देंगे पहले, इसको हम ध्यान रखेंगे। और आपकी जो एक दो तीन इश्यूज मेरी जानकारी में आए हैं तो मैं खुद एक मीटिंग रखवाता हूँ दो तीन दिन में, अगले हफ्ते में रखवाता हूँ, सोमवार मंगलवार को मंडे ट्यूजडे वो टाइम मैं बताता हूँ उनसे बात करेंगे। विदिन ए वीक कह दिया मंडे ट्यूजडे, मैं विदिन ए वीक कर रहा हूँ तो मैं कोशिश मंडे या ट्यूजडे का मैं निश्चित करता हूँ, आज बुधवार है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मीटिंग करके अपन बैठ जाएंगे और उनसे सामने सामने एक एक पॉइंट वाइज बात कर लेंगे और जो जो उन्होंने किया है उसमें भी देख लेंगे उनके बाद कोई बात नहीं, और आपकी मतलब हितों की नुकसान होने नहीं देंगे ये निश्चित रखा। और आपसे दूसरा आग्रह मेरा ये भी है, प्रशासन की ओर से इतनी देर रात को आप लोग इतनी संख्या में आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ तकलीफ में तभी आता है, तकलीफ होती है ना आदमी को तो मानी सबसे पैदा। मैं 2004 में 2005 में अंडर ट्रेनिंग हुआ करता था, अंडर ट्रेनिंग तभी ओडा वाला कांड हुआ था आपका, उस दिन मैं यही था, उस वक्त अंडर ट्रेनिंग था, मैंने देखा था जब कांड हुआ था। उसके बाद जो कुछ लोगों के घरों में भी हम गए थे, महाराष्ट्र के थे कोई, कहीं कहीं से लोग आए होते थे, एक एक क्या घर भी मैं खुद गया था घर उस समय देखा था, वो बेचारे खाना बना रहे हैं, चावल है चावल टूटे हुए चावल बना रहे हैं, अब वो आदमी क्या नुकसान करेगा किसी का। मैंने खुद उस वक्त महसूस किया था आप लोगों का जो दर उस वक्त, वो बेचारे बना रहे खिचड़ी बना के रात में खाना बना रहे थे, वो भाई बैठ के कमरा किराए पर लेके रह रहे हैं, तो वो सब तकलीफें हैं आपकी, दिक्कत में हो परेशानी में हो तनाव में हो, इसलिए आप लोग इकट्ठा होकर आए हो। तो हमें कानून का रास्ता नहीं छोड़ना है और हम आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, जो मदद हमसे हो सकेगी हमारे दायरे में कानून को लेकर जरूर आपके, तो ये हम मतलब इसका ख्याल करें। तो इतना आप हम पे भरोसा रखते हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे से कोई इशू हुआ मेरे ऑफिस में आ जाओ, पूरा 4-5 लोग आपके लोग आ जाए, उस तरफ बढ़ता जा रहा है और हम बार 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 आगे ज्ञापन दे के जाते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करके जाते हैं अधिकारियों को कि 2005 की घटना हो जाए कम से कम समय रहते ध्यान दे दो। लेकिन जब ज्ञापन लेते हैं तो हमें एक कहते हैं बिल्कुल ध्यान देंगे। मुझे बड़े शर्म की बात है, खेद भी है, जनवरी से आज तक हमने लगभग 14 ज्ञापन यहाँ के प्रशासन को दे दिया और एक भी समझौता एक भी विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ, शर्म की बात है साथियों, क्या करें। हमारे साथ है तो हमें कोई अधिकारी ये बताए कि हमने क्या करना से हम शर्म आज तो हमारे कोई बेवकूफ बनाया सोते बेवकूफ भाई, हम बेवकूफ नहीं, हमने बड़े बड़े आंदोलन करे, हमने 2005 में आंदोलन किया और जीत के दिखाया, 2009 में आंदोलन किया, रिपोर्ट आप लोगों ने समझे, एक साथ ही